वेलकम टू करण क्रंच तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा लेक्चर नंबर टू लेक्चर वन ऑलरेडी अपलोड हो गया है आपको मेरी चैनल पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी सुपरवाइजर एग्जाम की वहां से आप वो देख सकते हैं तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्दर कॉम्पोनेट्स और फर्दर यूनिट्स सोशलॉजी सिलेबस के काफी इंपॉर्टेंट है आपके सुपरवाइजर एग्जाम के लिए क्योंकि सिक्सटी मार्क्स जो है अकेले सोशोलॉजी के तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें टू लाइक दिस वीडियो हम जो कॉमेंट से बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ठीक है एक तो इसमें हम सारा सिलेबस सोशियोलॉजी का कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंडली हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद कुछ एम भी हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे तो स्टार्ट हमारा इंट्रोडक्शन सोशोलॉजी का हो गया सोसाइटी कम्युनिटी भी हमने डिस्कस कर लिया अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक इज एसोसिएशन तो आई होप आपको सोशल सोसाइटी क्या होता है एंड कम्युनिटी क्या होता है ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हों अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देखें फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे यू कैन रीच आउट टू मी मेरा ई मेल है करंट क्रं फोर वन वन करंट करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है आप मुझे यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी किसी भी चीज को लेके तो स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन से देखो एसोसिएशन क्या होता है इसका और कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि जहाँ पे आप एसोसिएशन देखोगे ना ये किसी एक पर्पस की वजह से मिलता है बनता है ठीक है तो कोई एक पर्पस दिमाग में होता है कोई गोल्स अचीव करने होते हैं जिसको लेके एक एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है उसको किन एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नाम सुना होगा फ़ुटबॉल एसोसिएशन का तो उनका क्या गोल है फ़ुटबॉल खेलना उसको प्रमोट करना ठीक है एडवोकेट करना फ़ुटबॉल प्लेइंग को इंडिविजुअल्स के बीच में और कुछ रूल्स के तहत काम करना तो हमारी फ़ुटबॉल एसोसिएशन बनती है अकॉर्डिंगली हमारे ट्रेड यूनियन आपने सुना होगा तो लेबर्स के लॉज वगैरह उनके रूल्स को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन बनती है तो किसी एक गोल कोई एक काम होता है जिस वजह से एक आप बोल सकते ग्रुप ऑफ पीपल सामने आते हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होते हैं ठीक है ठीके? और उसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएशन तो एक ग्रुप है ऑर्गेनाइज फॉर द पर्स ऑफ एन इंटरेस्ट और द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन तो उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है कोई फाइन तो ये इस चीज से क्लियर हो जाएगी जैसे फुटबॉल एसोसिएशन है उनका क्या कॉमन इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलना फाइन और अगर ट्रेड यूनियन है तो इनका एक कॉमन uh, क्या है इनका इंटरेस्ट कि प्रोटेक्ट करना राइट्स ऑफ लेबर्स तो कोई एक कॉमन इंटरेस्ट होगा जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आएंगे एक गोल अचीव करने के लिए और अपनी एक एसोसिएशन बनाएंगे तो वो आपका एसोसिएशन हो सकता है ह्यूमंस हैव डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एंड दे एस्टैब्लिश टू फुलफिल देम आपको एक जनरल एसोसिएशन नहीं मिलेगी जिसमें सारे इंटरेस्ट होंगे जैसे ट्रेड के लिए रिलेटेड आपको अलग एसोसिएशन मिलेगी आपको म्यूजिक के रिलेटेड अलग कोई एसोसिएशन होंगी आर्ट के रिलेटेड अलग एसोसिएशन होंगी जैसे फुटबॉल गेम्स के रिलेटेड अलग एसोसिएशनस होंगी तो डिफरेंट एसोसिएशन आपके डिफरेंट इंटरेस्ट को फुलफिल करने का काम करती हैं नो सिंगल एसोसिएशन कैन सेटिसफाई ऑल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स ठीक है no आर एम मकाइवर ने क्या कहा था ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली फॉर्म्ड जो हम खुद फॉर्म करते हैं डेलिबरेटली अगर आप रिकॉल करो पुराना लेक्चर मैंने आपको कम्युनिटी में क्या कहा था उसमें स्पॉन्टेनिटी होती है एक नेचुरलिटी होती है कि ठीक है वो एक स्पॉन्टेनियसली बन जाता है ऐसा नहीं है पहले लोग बैठते हैं फिर डिस्कस करते हैं फिर डिसाइड करते हैं हमें कम्युनिटी बनाती है वो चीज़ एसोसिएशन के केस में होती है डेलिबरेटली फॉर्म की जाती है फॉर द कलेक्टिव पर्सोट कोई एक कलेक्टिव गोल के लिए सेट ऑफ इंटरेस्ट विच इट्स में जो मेम्बर्स आपस में शेयर करेंगे कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट उन लोगों का जिसमें वो काम करेंगे towards the achievement of a collective goal. ये हो गया आपका एसोसिएशन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एसोसिएशन के पहला है एसोसिएशन इट इज अट मीन्स ए ग्रुप ऑफ ह्यूम साथ में आएंगे ग्रुप ऑफ पीपल ठीक है एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो एसोसिएशन बनाएंगे तो ये रियल लोगों का एसोसिएशन बनता है ठीक है ऐसा तो नहीं है ना कोई रोबोट्स सामने आ जाते हैं और एसोसिएशन बनाते हैं नहीं इसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी कॉमन इंटरेस्ट ये हो गया मैंने कहा जो एसोसिएशन बनाते हैं उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है तभी वो लेके एक एसोसिएशन को बनाएंगे एसोसिएशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जो फॉर्मली जिसके कोई रूल्स होंगे चाहे वो रिटन हो या अनरिटन हो लेके किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू काम करेगा तो एक ऑर्गेनाइज वे में काम होता है जैसे अगर कहीं पे बाहर आप देखोगे कहीं लड़ाई हो रही है दो बंदों के बीच में ठीक है तो एक क्राउड सा जमा हो जाता है उनको देखने के लिए तो क्या आप उस क्राउड को एसोसिएशन बोलोगे नहीं क्योंकि जो एसोसिएशन है ये एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क के अंडर डेवलप होता है ठीक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनफैक्ट ये अगर हम क्लास बोलेंगे क्लास को एज अ सोशल ग्रुप क्लास एज अ सोशल ग्रुप अगर कंसिडर किया जाए तो वो भी एक एसोसिएशन नहीं है क्योंकि वो ऐसे कोई फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन के अंडर ऑर्गेनाइज uh, नहीं हुआ होता है रेगुलेशन ऑफ रिलेशन ठीक है इसमें आपकी रेगुलेशन होती हैं आप ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे अगर आप एसोसिएशन के मेंबर हो तो आप बाउंड हो गए कि नहीं एक रूल्स ड्यूटीज के तहत ठीक है आपको कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाएगा बीइंग अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन कॉपरेटिव स्पिरिट भी होता है इसमें फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इसकी फार्मर्स एसोसिएशन है वो क्या करते हैं इन टाइम्स ऑफ नीड अपने नेबर्स वगैरह की भी हेल्प करते हैं तो इसमें थोड़ा वो कम्युनिटी वाला पार्ट भी आ गया कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कॉपरेटिव स्पिरिट होता है एसोसिएशन के अंडर मेंबरशिप वॉलेंटरी है जैसे कम्युनिटी में क्या होता है उसकी मेंबरशिप वॉलेंटरी नहीं होती है आप वहां पर पैदा हुए हो तो बाई नेचर आप उस कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो लेकिन आपको कोई जबरदस्ती किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं बना सकता है अगर आपको फुटबॉल नहीं खेलनी है कि आपको जबरदस्ती कोई फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर बना पाएगा नहीं तो मेंबरशिप वॉलेंट्री होगी एसोसिएशन एज एजेंसीज काम करती हैं दैट मीन्स कोई एक जैसे लीडर्स या आपके जो चेयरपर्सन होंगे एसोसिएशन के अंडर ठीक है ऐसे लोग जो है उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं एजेंसी तो एक एजेंसी के थ्रू काम करता है जो इसको एक लीगल कैरेक्टर देता है एजेंसी का ये भी मतलब हो एक लीगल एंटिटी बनती है आपकी एसोसिएशन एसोसिएशन का कॉर्पोरेट कैरेक्टर है कॉर्पोरेट कैरेक्टर में क्या होता है आपको कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती हैं आपको कुछ राइट्स मिलते हैं अकॉर्डिंगली ठीक है तो वो सारी चीजें जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखोगे वो आपको कॉर्पोरेट कैरेक्टर की जो सारी चीजें होंगी वो आपको एसोसिएशन में देखने को मिलेंगी ड्यूरेबिलिटी ऑफ एन एसोसिएशन एसोसिएशन टेम्प्ररी भी हो सकते हैं या आपके परमानेंट भी हो सकते हैं लेकिन आपको कम्युनिटी में क्या देखने को मिला था परमानेंस देखने को मिली थी तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसोसिएशन के फाइन तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस जो है बनते हैं ये जो मटेरियल uh, है इसके लिए अगर आप रेफर करना चाहो एक तो सी एन राव की बुक आती है ठीक अगर आप बोलोगे तो मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दूंगी उसका सेकेंडली कोई इग्नो मटेरियल uh, है अगर आपके पास इग्नो का मटेरियल है तो वहां से भी आप करके अपने नोट्स बना सकते हैं तो मैंने वेरियस रिसोर्सेज को क्लब करके आपकी पीपीटीज बनाई है अगर आप ये पीपीटी की ये चाहते हैं पीपीटीज आपको मैं दूं तो वो भी मैं ग्रुप में अपलोड कर सकती हूँ ये भी आपके लिए एज नोट फॉर्मेट में बेनिफिशियल रहेगा अब एसोसिएशन और कम्युनिटी की थोड़ी डिफरेंस देख लेते हैं जो मेंबरशिप है इसकी वॉलेंट्री होती है ठीक है इसमें जो बाय बर्थ इट्स सेल्फ इंडिविजअल्स बिकम मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी ये क्लियर हो गया एसोसिएशन के कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं कम्युनिटी हैज़ सम जनरल इंटरेस्ट इसके कुछ स्पेसिफिक होंगे एसोसिएशन के जैसे मैंने कहा अगर फुटबॉल के लिए बनी है या ट्रेड यूनियन के लिए बनी है तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बनी है लेकिन कम्युनिटी एट जनरल होती है ठीक है कम्युनिटी किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के, के अराउंड नहीं बनी होती है एसोसिएशन डिज़ नॉट नेसेसरी इम्प्लायज स्पेशल आस्पेक्ट दट मीन्स कोई जोग्राफिकल लोकैलिटी ज़रूरी नहीं है जो भी एसोसिएशन के मेम्बर्स होते हैं वो कहीं कहीं एरियाज के भी किसी किसी एरिया के भी हो सकते हैं लेकिन कम्युनिटी के लिए लोकैलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जैसा कि मैंने कल भी बताया था एसोसिएशन स्टेबल भी हो सकती है लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है लेकिन कम्युनिटी इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एंड परमानेंट ये इसका फोर्थ पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट लीगल एंटिटी दे एक्ट एज एजेंसी इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है कम्युनिटी का सिक्स पॉइंट एसोसिएशन देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन वो रिटन भी हो सकते हैं अनरिटन भी हो सकते हैं लेकिन मेंबर्स हैं वो रूल जो कम्युनिटी है वो रेगुलेट करती है बिहेवियर ऑफ इट मेंबर्स कैसे बाय कस्टम्स ट्रेडिशन आपके कुछ कस्टम्स uh, होते हैं कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो कम्युनिटी फॉलो करती है ठीक है एक कोई कोड्स होते हैं जो कम्युनिटी फॉलो करती है वो रिटर्न रूल्स नहीं होते हैं वो बस बाय कन्वेंशन एक कम्युनिटी का बिलीफ होता है किसी चीज को लेके और आपको फॉलो करना होता है ठीक है ये हमने कल भी डिस्कस करा था एसोसिएशन पार्शल है इट मे बी रिगार्ड एज अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी ठीक है ये अगर आपकी कम्युनिटी है तो उसके अंडर का एक पार्ट एसोसिएशन हो सकता है कम्युनिटी जो है वो इंटीग्रल है इट मे हैव विद इन इट्स बाउंड्री सेवरल एसोसिएशन एक कम्युनिटी के अंडर आपको सेवरल एसोसिएशन मिलेंगे तो आप एसोसिएशन को पार्शल या आप एसोसिएशन को सबसेट ऑफ कम्युनिटी भी बोल सकते हो डिफरेंट एसोसिएशन आपको एक कम्युनिटी के अंडर मिलेंगे तो ये था आपका सोसाइटी एसोसिएशन एंड कम्युनिटी को लेके नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सोशल स्टार्टिफिकेशन इसके बाद हमें पढ़ना है कास्ट एंड क्लास एंड सोशल स्टार्टिफिकेशन इन इंडिया ठीक है तो चैप्टर का नाम सोशल स्टार्टिफिकेशन है दैट मीन्स कास्ट एंड क्लास आपको जो भी आप मटेरियल देखोगे वहां पे आपको ज्यादा डिटेल में कास्ट में नहीं जाना है कि कास्ट के बारे में सब कुछ पढ़ो आपको कास्ट एज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन पढ़ना है और क्लास एज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हम देखेंगे सोशल स्ट्राटिफिकेशन बेसिकली होता क्या है देखो स्ट्राटिफिकेशन जो है ये स्ट्राटिफाई ये बेसिकली डेराइव हुआ एक वर्ड से जिसका मतलब होता है स्ट्राटा ठीक है स्ट्राटा से डेराइव हुआ है स्ट्राटा होता है आपका लेयर्स और जहाँ पे आप लेयरिंग कर रहे हो वहाँ पे कोई डिफरेंस है तभी अलग अलग लेयर्स बन रही हैं अगर ये एक सोसाइटी है ये डिवाइड है डिफरेंट स्टार्ट में या डिफरेंट लेयर्स में ठीक है ये आपका स्टार्टोफिकेशन है अभी प्रोसेस क्या होता है स्टार्टोफिकेशन का ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उससे पहले मैं इरेज कर देती हूँ देखो हमें पता है सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं नेचुरल डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं सोसाइटी में फॉर एग्जांपल आप फीमेल्स हो तो एक आप बोल सकते हो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस प्रेजेंट है सोसाइटी में आपको मेल मिल जाएंगे फाइन और आपको फीमेल्स मिल जाएंगी मेल्स मिलेंगे फीमेल्स मिलेंगे तो ये सेक्सुअल डिफरेंस है आप बोल सकते हो सोसाइटी में या बायोलॉजिकल डिफरेंस इसको बोल सकते हो ये नेचुरल है अभी इसमें कोई इनिकवालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है अब आपकी सोसाइटी क्या करती है ये वैल्यूज अटैच करना शुरू कर देती है ये वैल्यू अटैच करती है ये आपको ये एहसास दिलाती है कि जो मेल्स हैं वो सुपीरियर है आपके फीमेल से फाइन तो इन्हें सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी के टर्म्स पे कोई वैल्यूज अटैच की अब क्या हो गया जहां पे पहले मेल्स और फीमेल्स एक नेचुरल डिफरेंस कंसीडर किया जाता था सोसाइटी का अब इनमें कॉन्सेप्ट आ गया इनइक्वालिटी का क्योंकि अब आप बोल रहे हो नहीं मेल्स और फीमेल में सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है मेल्स जो है दे आर मोर सुपीरियर देन फीमेल्स अब इसमें notion of inequality आने जिसको जिसको पर रखा अपने रैंक ठीक है ये जो प्रोसेस है इससे आपकी इनक्वालिटी आ गई सोसाइटी में और इस सारे पैटर्न प्रोसेस को हम समझते हैं या बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन जब आप एक हाईरिकल ऑर्डर में क्या कर रहे हो बता कि सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं आप एक हायरिकी में रैंक कर रहे हो वन है कोई टू है कोई अपर लेवल पे है कोई मिडिल लेवल पे है कोई लोअर लेवल पे है आप एक इन लेके आ रहे हो एक हायरिकल ऑर्डर में सोसाइटी में उसको हम प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं सोशल इज योर सोसाइटी दिस इज योर डिविजन ऑफ सोसाइटी इन टू वेरियस लेयर स्ट्रेटिफिकेशन देखो अब स्लाइड पर देखते हैं सारी जो सोसाइटीज हैं दे आर मार्क्ड बाई डिफरेंसेज सच डिफरेंसेज कैन बी मैन मेड और नेचुरल सोसाइटी टेंस टू अटैच वैल्यूज टू सच डिफरेंसेज इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियरिटी ठीक है जैसे पहले मैंने कहा मेल फीमेल अब आपने एक चीज को सुपीरियर कहा एक चीज को इन्फीरियर कहा डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी की एक चीज डिजायर्ड है और एक चीज आपके लिए अनडिजायर्ड है सोशल नाउ नो लॉन्गर रिमेन बट बिकम वालिटीज पहले जो डिफरेंसेज थी प्रेजेंट हाँ वो नेचुरली प्रेजेंट थी लेकिन अब वो इनइक्वालिटीज बन गई हैं और इन पैटर्न को दे आर अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रटिफिकेशन तो इस स्ट्रटिफिकेशन uh, चैप्टर के लिए हमने नितिन सांगवान सर की बुक यूज करी है आपने लेना वो बुक अगर आप आपकी रिकमेंड भी करें इस एग्जाम के लिए क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है नितिन सांगवान सर की आपके लिए वो हेल्पफुल नहीं है वो काफी वो यूपीएससी लेवल की बुक है आपको उसका कोई काम नहीं है डायरेक्ट अब उसमें से जो जो पोर्शन आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो मैं आपको थ्रू स्लाइड्स दे दूंगी सोशल स्टार्टिफिकेशन जो है इट इज अ प्रोसेस इन विच सोशल इनइक्वालिटी एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल हेरारिकल स्ट्रेटा वन प्लेस्ड अबाउट अदर ये इसकी डेफिनेशन है अगर डेफिनेशन फॉर्म में आ गया और ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है ठीक है सोसाइटीज में डिफरेंसेज है यहाँ से स्टार्ट करोगे डिफरेंसेज है वो मैनमेड भी होती है नेचुरल भी होती है अब जो डिफरेंसेज है उनको आप इवेलुएट करना शुरू करोगे बोलोगे कोई कोई डिफरेंस ये है है जो ग्रुप है, वो सुपीरियर बन गया कोई ग्रुप जो है वो बन गया उससे क्या हो गया इनइक्वालिटी उनके साथ अटैच हो गई यही इन को जब आप एक हायरिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हो कि रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री आपकी सोसाइटी में क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस ऑफ सोशल स्टैटिफिकेशन अब प्रोसेस ऑफ स्टिफिकेशन के ये आप चार देख सकते हो चीज़ें क्या क्या आती हैं पहले डिफ्रेंसीशन नंबर पे आ गया ठीक है उसके बाद आपने क्या मतलब डिफरेंट किया आपने चीज़ों को कोई एक चीज़ डिफ कोई एक कास्ट अलग है दूसरी कास्ट अलग है तीसरी कास्ट अलग है फिर आपने क्या किया उनको इवेलुएट करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी आपने कहा अगर एक कास्ट है या एक जेंडर है वो सुपीरियर है दूसरी कास्ट एंड या दूसरा जेंडर जो है वो इन्फीरियर है ठीक है और इनक्वालिटी आ गई दैट मीन्स आपने एक हायरिकल ऑर्डर में उनको रैंक करना स्टार्ट कर दिया किसी को ऊपर रखा किसी को नीचे रखा ठीक है उसके बाद आपने क्या, क्या? आपने reward किया आपने रिवॉर्ड किया अब जब जिसको आपने स्टार्टिफिकेशन में ऊपर रखा उनको अकॉर्डिंगली वैसे ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो आपने हाई कास्ट अगर हम कास्ट की एग्जांपल लें हाई कास्ट लिखा जैसे इंडिया के केस में ब्राह्मण्स तो उनको काफ़ी ऐसी चीज़ें एश सोसाइटी में मिले हैं जो लोअर कास्ट सो कॉल लोअर कास्ट शुद्रास्ट को नहीं मिले या अगर हम जेंडर के बेसिस पे करें तो सर्टिफिकेशन मेल्स को आपने कैसे रिवॉर्ड किया इनको वो अपॉर्चुनिटीज दी जो फीमेल्स को नहीं दी ठीक है तो पहले डिफ्रेंसिएशन आपने की फिर आपने इवेलुएट किया इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी फिर अकॉर्डिंगली आपने रैंक करना शुरू कर दिया वन टू थ्री हरकल ऑर्डर में इसको लेके आए उसके बाद जिसको आपने अपर लेवल पे रखा उसको आपने अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड किया और जो लोअर लेवल पे रह गए उनको वैसे ही पनिशमेंट या कम रिवॉर्ड्स मिले सोसाइटी की तरफ से ठीक है ये सारा आपका प्रोसेस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन हुआ आगे देखते हैं सोशल सर्टिफिकेशन यूबिक्यूशस इसका क्या मतलब होता है ये यूनिवर्सल है दैट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर तो किसी सोसाइटी में ज्यादा होगा किसी सोसाइटी में कम होगा लेकिन सोशल सर्टिफिकेशन आपको हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा इसी के रिगार्डिंग पी ए सरोके ने कहा था इन इनहेज सोशल मोबिलिटी जो उन्होंने लिखी थी दैट अनस्टार्टिफाइड सोसाइटी अनस्टार्टिफाइड कौन सी होगी जो आपकी इक्वल सोसाइटी होगी जिसको हम इगैलिटेरियन सोसाइटी भी बोलते हैं इसमें कोई लेयर्स प्रेजेंट नहीं होंगी दैट मीन सारी सोसाइटी जो होगी वो इक्वल होगी विथ रियल इक्वालिटी ऑफ इट्स इज अथ विच है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो अनसार्टिफाइड सोसाइटी है उसको मिथ किसने कहा है पी एस सोरेकिन ने क्योंकि सोशल स्टार्टिफिकेशन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कम फॉर्म में इंटेंसिटी चाहे कम हो या ज्यादा हो लेकिन हर सोसाइटी में प्रेजेंट है अब थियरीज ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन ऑल दो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मैंशन नहीं है पर सोशल स्टार्टिफिकेशन का पार्ट है थोड़ा आपको समझने के लिए ये इजी हो जाएगा इससे सोशल स्टार्टिफिकेशन का प्रोसेस अब हमारे पास सोशलॉजी uh, में क्या होता है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं आपको इन डिटेल ज़्यादा नहीं जाना मैं आपको हल्का सा बताती हूँ दो स्कूल्स ऑफ थॉट मेन दो स्कूल्स ऑफ थॉट बताती हूँ एक आपके फंक्शनलिस्ट होते हैं जो कहते हैं सोसाइटी में हर चीज़ को फंक्शनल व्यू में देख देखते हैं कि जो सोसाइटी की हर चीज़ है वो फंक्शनल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होल अगर सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है ये इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी एज ए होल की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत ज़रूरी है ठीक है अगर ये नहीं होगा तो सोसाइटी भी एग्जिस्ट करना ऐसे ऐसा बंद करेगी आपका जो फैमिली है ये इसीलिए फैमिली प्रेजेंट है सोसाइटी में क्योंकि फंक्शनल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए फैमिली जरूरी है अकॉर्डिंगली इन्होंने रिलीजन को भी फंक्शनल कहा तो ये इसका बेसिक फंडा है कि हर जो पार्ट है सोसाइटी का वो एक तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एंड सेकेंडली वो एज अ होल मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी ठीक ये थोड़ा सा आप याद रखो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत इसमें नहीं है सेकेंड इज अ पर्सपेक्टिव इसका एंटी ये हर चीज को कॉन्फ्लिक्ट रूल कॉन्फ्लिक्ट आप बोलोगे प्रिज्म से देखते हैं सोसाइटी में बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इनके अकाउंट इकोनॉमी की वजह से है क्योंकि कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं जो गरीब है उनको फॉर uh, एग्जाम्पल आपकी लेबर क्लास और जो अमीर है वो आपके कैपिटलिस्ट हो गए तो जो कैपिटलिस्ट हैं ये सोसाइटी को एक्सप्लोइट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए और अकॉर्डिंगली जो लेबर क्लास है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोइ फॉर्म में आपके सामने आती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके जो मेन प्रम्पाउंडर थे उनको मार्क्स बोलते हैं ठीक है उनका नाम मार्क्स है तो इन्होंने इन्होने मार्क्स ने क्या किया इन्होंने हमें इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बाई मार्क्स उसको आप बोल सकते हो इनकी थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन बेसिकली क्या है सोसाइटी को अलग लेयर्स में अलग स्टार्ट में डिवाइड करना इन्होंने कहा सोसाइटी आपकी दो क्लासेस में डिवाइडेड है हैव्स में और हैव में और ये हैव अब इकोनॉमिक डिटर्मिनेजम क्यों क्योंकि ये कौन डिटर्मिन कर रहा है डिविजन ऑफ द क्लास या आपकी इकोनॉमी डिविजन कर रही है या तो आप इंडस्ट्रीज के ओनर्स हो तो आप हैवस हो अगर आप कैपिटलिस्ट हो या अगर आप वर्कर हो आप हैव नॉट्स हो तो ये आपकी दो क्लासेस हैं जिसपे आपकी सोसाइटी सैटिफाइड है ये मार्क्स का कहना था कैपिटलिस्ट को इन्हने बर्जुआ भी कहा था हो सकता है एग्जाम में आ जाए कहीं तो आप ये नोट डाउन कर लेना और हैव नॉट्स को इनने प्रोलिटेरियड कहा था ठीक है एंड ये आपकी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी होगी इकोनॉमिक डिटर्मिनज्म क्यों क्योंकि स्टेटिफिकेशन डिटर्मिन कौन करती है आपकी इकोनॉमी अगर आप, आप कैपिटलिस्ट हो आप अकॉर्डिंगली एक सोसाइटी के पार्ट हो हैव्स में आ जाओगे और अगर आप वर्कर हो तो आप हैव नॉट में आ जाओगे ठीक है तो पहले मैं इसको इरेज करती हूँ बाद में हम देखते हैं फंक्शनलिस्ट थियरी बाई किन्स्लिट डेविस एंड मूरे ठीक है अब ये जो किन्सलेट डेविस एंड मुरे थे इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्टेटिफिकेशन अगर आपको ऑप्शन में किन्सले डेविस एंड मूरे दोनों नाम आ जाएंगे कि किसकी है स्टिफिकेशन खेरी तो आप किन्सले डेविस लिखोगे उसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन का था सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ये भी नोट no डाउन कर लेना सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रटिफिकेशन तो इन्होंने फंक्शनल व्यू में देखा अब इन्होंने फंक्शनल तौर पे सोशल स्टार्टिफिकेशन को क्या कहा इन्होंने कहा कोई फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन है सोसाइटी के लिए फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट अब कौन फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट पोजिशन है वो कौन डिटर्मिन करेगा कि वो जो पोस्ट है वो कितनी यूनिक है दैट मीन्स कोई और लोग वो काम नहीं कर सकते हैं. अगर आप फॉर एग्जाम्पल फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट आप डॉक्टर को मानो ठीक है तो उसका क्या क्राइटेरिया है देखने के लिए फंक्शनली इम्पोर्टेंट है कि नहीं कि पहले वो यूनिक है डॉक्टर का काम कोई और नहीं कर सकता ना कोई और जाके uh, uh, जाके uh, इसमें आपके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या ई उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता आपको स्पेशलिस्ट चाहिए ENT, अगर आपको दिखाना है अपना कोई भी एयर नोज या थ्रोट का इशू उसके लिए वो यूनिक पोजिशन है फर्स्ट हो गया क्राइटेरिया सेकेंड कितने बाकी पोजिशन हैं जो उस एक पोजिशन पे डिपेंड करते हैं डिपेंडेंस वाला अगर किसी की सर्जरी होने वाली है ठीक है अब वहां पे सारी मशीनरी टूल्स टेक्नीशियंस नर्सेस सब प्रेजेंट है लेकिन आपका सर्जन ही ना आए तो क्या आप सर्जरी क्या सर्जरी परफॉर्म हो सकती है नहीं दैट मीन्स वो सारी पोजिशन किस पे डिपेंड है एक सर्जन पे एक नर्स एक टेक्नीशियन वहां खड़े रह के क्या करेंगे सारे टूल्स के साथ जब तक एक सर्जन नहीं आएगा तो उनके अकॉर्डिंग फंक्शनली मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन वो है जो यूनिक है और जिन पे बाकी पोजिशन डिपेंड करती हैं फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्टर्स और सर्जन आपको एग्जाम्पल लेने क्लियर करने के लिए बताया और उन्होंने कहा स्टार्टिफिकेशन से क्या होगा सोसाइटी लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी स्टार्टिफिकेशन से ही डिफरेंसिएशन आएगी ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंसिएशन कि कोई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बन रहा है कोई टीचर बन रहा है कोई क्लास फोर जॉब के लिए जाता है ठीक है कोई स्कॉलर बनता है तो इन्होंने कहा सर्टिफिकेशन क्या करता है ये मेक श्योर sure करता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा डिजर्विंग है उसको वो पोस्ट मिले अगर आप उतनी मेहनत करो नीट क्वालिफाई करो तो स्टार्टिफिकेशन के थ्रू आपको वो पोस्ट मिलेगी क्योंकि ये स्टार्टिफिकेशन ही है जिसने सोसाइटी में अलग डिफरेंसेस लाई है इन टर्म्स ऑफ योर डिफरेंट पोस्ट्स ठीक है तो वो स्टार्टिफिकेशन हुई तो इसके लिए इन्होंने टर्म लिखा था इफेक्टिव रोल एलोकेशन ये भी नोट no डाउन कर लेना साथ साथ इफेक्टिव रोल एलोकेशन तो इन्होंने कहा ये फंक्शनल है स्ट्रैटिफिकेशन ये इसीलिए है क्योंकि इफेक्टिव रोल एलोकेशन का काम करती है इफेक्टिव रोल एलोकेशन ये एक मैकेनिज्म है आ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये एक मैकेनिज्म है जिससे फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिलते हैं ये इनका कहना था तो ये दो थियोरीज हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिफिकेशन की ये आप नोट डाउन कर सकते हो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म थियोरी बाय डेविस एंड मोरे अगर एग्जाम में दोनों आते हैं तो आप किन्सले डेविस आंसर लिखोगे ठीक है तो ये इसका थोड़ा बहुत अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है दोबारा आप वीडियो देखो समझ आ जाएगा फिर भी नहीं आया तो आई एम ऑलवेज हियर कॉमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं अब हमारा टॉपिक क्या है सिलेबस का हमें पढ़ना था सोशल स्टैटिफिकेशन उसमें कास्ट एंड क्लास कास्ट एंड क्लास जब हम क्लास बेस्ड सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो यूजुअली वेस्टर्न सोसाइटीज की होती है क्योंकि इंडिया में कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन प्रेजेंट है आपके कास्ट पे तो पहले हम थोड़ा कास्ट का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास बेस्ड सर्टिफिकेशन देखेंगे अब कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन क्या होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्टिफिकेशन दैट इज पिक्यूलर टू इंडिया इसका ओरिजिन कास्ट सिस्टम का इंडिया में हुआ तो कास्ट पे सोसाइटी डिवाइडेड आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगी कोई कंपेरेबल इंस्टीट्यूशन कहीं और नहीं है लेकिन कुछ कुछ ट्रेसेस आपको एंशियंट इजिप्ट जापान रोम बर्माशिया में भी देखने को मिलेंगे ठीक है कास्ट सिस्टम इज बिलीव टू हैव अ डिवाइन ओरिजिन एंड सेंक्शन वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी ये कैप बोलते हैं बेसिकली कास्ट सिस्टम के ऑरिजिनेट कैसे हुआ ये पुरुषुक्ता हिम पुरुषुक्ता हिम प्रेजेंट है टेंथ मंडल ऑफ रिग्वेदा में ऑफ जो लॉर्ड पुरुष जो है उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया था लॉर्ड पुरुष ने ब्लास्टेड हिमसेल्फ और जो उनके सर से निकले थे वो उनके ब्राह्मण्स थे उनको ब्राह्मण्स बोला जो आम से निकले थे वो उनके क्षेत्रियास थे वॉरियर क्लास हो गई आपकी वॉरियर कास्ट जो थाई से निकले थे वो वेशियाज जो आपकी बिजनेस क्लास है बिजनेसमैन या वेशवास भी इनको बोलते हैं एंड जो पैरों से निकले वो शूद्रास हैं जो लो मीनियल जॉब्स करते हैं तो अर्ली वेदिक एज में जो पुरानी एज थी आपकी अर्ली वेदिक जो कास्ट सिस्टम था ये ऑक्यूपेशनल डिविजन ऑफ लेबर ही कंसिडर किया जाता था ठीक है इसको माना जाता था कि डिफरेंट काम डिफरेंट कास्ट करेगी इसीलिए ये कास्ट अलग अलग डिवाइडेड है इनमें वो अः आप बोलोगे जो आज प्रेजेंट है रिजिड कास्ट सिस्टम और कोई कास्ट जो है वो सुपीरियर है लोअर कास्ट है ये जो वरना इसको वरना फ्रेमवर्क बोलते हैं आगे मैंने स्लाइड्स में लिखा है मैं आपको आगे बताऊंगी वो जो प्रेजेंट रिजिड फॉर्म में आ गया इन इक्वल इनइक्वालिटी सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी का वाला कॉन्सेप्ट आ गया वो फिर लेटर वैदिक एज में इसके साथ एसोसिएट हो गया अर्ली वैदिक में इसको बुरा नहीं माना जाता था कास्ट सिस्टम को अर्ली वैदिक में इसको ऑक्यूपेशनल डिविजन ऑफ लेबर के साथ सिर्फ एसोसिएट किया जाता था ठीक है जो ऑरिजिन है कास्ट वर्ड का ये इसको स्पेनिश या पोर्टुगीज ऑरिजिन दोनों से रिलेट करते हैं फ्रॉम द वर्ड कास्ट या यहाँ पे कॉस्टा भी लिखा हो सकता है कहीं किसी बुक पे आपको कॉस्टा मिले किसी बुक पे आपको कास्ट मिलेगा मीनिंग ब्रीड और लीनेज जो पोर्टुगीज टर्म है यूज द पोर्टुगीज यूज टर्म कास्ट डिनोट करने के लिए डिविजन इन द इंडियन कास्ट सिस्टम द वर्ड कास्ट ऑल्सो सिग्निफाइज रेस और काइंड अब जो वर्ना वाला कॉन्सेप्ट है विच मीन्स वर्ना का मतलब होता है कलर ठीक है रेसिस एंड कलर सीम टू बी द बेस इंडियन कास्ट को इन एडिशन टू दिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्युपेशन डिवाइडी चार, चार ग्रुप आपका अलग है, है। वर्णा फ्रेमवर्क आपका अलग है जो सोसायटी को चार ग्रुप में डिवाइड करता है दिस इज योर ब्राह्मण दिस इज योर क्षेत्र देन देन एंड और पांचवे एक अवर्णा भी इनको बोलते हैं फिफ्थ अवर्णा जो आपके अनटचेबल्स हो गए ठीक है या दलित ये आपके अवर्णा हो गए जो इन वर्णा फ्रेमवर्क से बाहर है ये आपका वर्णा सिस्टम हो गया फिर इसके सब ग्रुप्स बनते हैं ब्राह्मण्स के अंडर ठीक है इनके अपने सब ग्रुप्स बन गए ब्राह्मण्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे क्षेत्रीय के अंदर डिफरेंट सब ग्रुप्स मिलेंगे जिसको इन सब ग्रुप्स को हम कास्ट या जाति बोलते हैं ठीक है तो ये एक मैक्रो फ्रेमवर्क है वर्ना और उसके अंडर आपको सब डिविजन मिलेंगे उसमें आपको कास्ट है जाति मिलेंगी तो वर्ना टोटल चार ही है एंड फिफ्थ इज अवर दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस फोर आउटसाइड ऑफ दिस वर्ना फ्रेमवर्क और इसके फर्दर जो डिविजन्स है उसमें आपको कास्ट वो काफी ज्यादा इन नंबर होते हैं वो आपको न्यूमरस मिलेंगे इसमें इस सारे सिस्टम को हम चतुर्वर्ण सिस्टम कहते हैं दैट मीन योर फोर फोल्ड डिविजन

ये करप्ट हुआ लेटर वैदिक तो जब हम आए कास्ट सिस्टम सिस्टमिजन टू द वर्ना सिस्टम द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम कैन बी सेट एज सिस्टम ठीक है जो ओरिजिनल वर्ना कहाँ पे था एंड सेम ये चीज आप याद रखना ठीक है तो ये आपका कास्ट सिस्टम जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इंडियन स्टार्टिफिकेशन जो है उसको कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन ही माना जाता है कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन प्रेजेंट है इंडिया में ठीक है और जब हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करते हैं वहां पे आपको क्लास बेस्ड सर्टिफिकेशन मिलेगी ठीक ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं इसमें देखते हैं और कौन सी चीजें मैं इसमें ऐड कर सकूंगी कास्ट में एंड क्लास बेस्ड सर्टिफिकेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ये करके जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे ये बताता है आपकी कास्ट पे सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है ठीक और जहां पे कास्ट सिस्टम आप सुनोगे तो वहां पे एक इम्पोर्टेंट नाम भी आ जाता है जीएस एस गुरिये का ये भी याद रख लेना इन्होंने छह एट्रीब्यूट्स बताए थे या छह फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम बताए थे वो छह फीचर्स क्या आप नोट डाउन कर लो पहला कि कास्ट सिस्टम में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन मिलेगी ये सिस्टम बोलता है कि जो कास्ट जैसे ब्राह्मण्स है वो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लास कास्ट है जैसे जैसे आप नीचे वाले लेडर लेडर में आप नीचे नीचे आते जाओगे इसमें पोल्यूशन एड होता जाएगा और जो शूदराज होंगे वो आपको सबसे ज्यादा इम्प्योर कास्ट मिलेगी तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है कास्ट सिस्टम में सेकेंड ये हेरिडिटरी है दैट मीन्स एक शूद्र का बेटा जो है यू के नॉट एक्सपेक्ट वो ब्राह्मण बन जाए ये हेरिडिटरी है एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा वेश्वा का बेटा वेश्वा बनेगा ठीक है थर्ड इज ऑफ लेबर काम ब्राह्मण्स का क्या काम है पाठ पूजा एंड जो आपके क्षेत्र है वो वॉरियर क्लास है तो फाइट करना आपको प्रोटेक्ट करना वो करेंगे आपकी बिजनेस क्लास है मर्चेंट्स वगैरह इसमें आएंगे एंड जो बाकी लो मीनियल काम है वो सारे कौन करेगा शूद्र लो मीनियल जॉब्स तो डिवीज़न ऑफ लेबर वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें फोर्थ पॉइंट आ गया आपका सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज फिफ्थ पॉइंट इज योर एंडोगेमी एंड सिक्स पॉइंट इज योर हायर आरकी ठीक है तो सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज क्या होता है फॉर एग्जाम्पल जो लो कास्ट caste... के लोग हैं वो हाई कास्ट के वेल से उनको बोला जाता है पानी नहीं पी सकते उनके कुएं से या कोई जो ब्रिज है आप न्यूज में भी ऐसा कई बार सुनना होगा कि बॉडीज कैरी करनी पड़ती हैं दलित्स को कि नहीं एक गांव के वो अंडर द ब्रिज उनको जाना पड़ता है क्योंकि वो ब्रिज वो नहीं यूज कर सकते हैं ब्रिज तो उसको सिविल डिसेबिलिटी बोला जाता है या अगर आप हाई कास्ट एक का एक ब्राह्मण का टेम्पल यूज नहीं कर सकते हो शूद्र हो के तो वो रिलिज डिसेबिलिटी है ये भी कास्ट सिस्टम से आता है एंडोगैमी देखो गैमी जहाँ पे भी दिस इज रिलेटेड टू ए मैरिज ठीक है ये हमें आगे सेपरेट यूनिट में पढ़ना है मैरिज एंडी भी हो सकती है एंड एक्सोगी भी हो सकती है एंडो इज विद इन द ग्रुप एंड एक्सो इज आउटसाइड द ग्रुप ठीक है अभी आप इतना ही देख लो इन डिटेल हमें उसी यूनिट में डिस्कस करेंगे कास्ट एंडोगी प्रेजेंट है दैट मीन इन द कास्ट आपको शादी करनी है इंट्रा कास्ट मैरिजेस परमिसेबल है कास्ट सिस्टम में इंटर नहीं है दैट मीन दूसरे कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते हो हर की एक रैंक इनइक्वालिटी uh, के बेसिस पे आपको रैंक किया जाता है हर ऑर्डर में जो हम इस पिरामिड शेप में यहाँ पे हमेशा ये ड्रॉ करते हैं ब्राह्मण क्षेत्र एंड शूत्र तो ये थोड़े बहुत फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम को लेके जो जी एस गुरिये ने बताए थे और इस पे सोसाइटी कैसे स्टार्टिफाइड है ये भी हमने डिस्कस किया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास सिस्टम डिस्क, डिस्कस करेंगे क्लास सिस्टम से कैसे सोशल स्टार्टिफिकेशन जो है वो सोसाइटी में चलती है तो टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट वीडियो बाय बाई टेक हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब शेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं इसमें लेके आऊंगी एंड अपलोड करती रहूंगी तो लाइक करें कॉमेंट करें बताएं वीडियो कैसा लगा बाय केयर हैव अ ग्रेट डे